everyone, a very warm welcome to Baiju's exam prep and a very warm welcome to our history session. तो तीन बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारे हिस्ट्री के सेशन का. और जैसा कि आप जानते हैं, एग्जामिनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम हमारे सेशंस में स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं शुरुआती दौर पे ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन का बेसिक फंडामेंटल है. इट इज द बेस ऑफ योर एग्जामिनेशन. तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. सो कीप ज्वाइनिंग एंड आई होप यू ऑल आर वर्किंग रियली हार्ड एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन रियली रियली वेल. एट द सेम टाइम आई होप यू आर सुपर एक्साइटेड फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि आज 18 मई हो चुका है. सो विद इन हमारा जो 30 डेज का काउंट डाउन है वो रियल सेंस में शुरू हो चुका है. सो आई होप यू ऑल आर सुपर चार्ज, ऑल पॉजिटिव. तो जल्दी जल्दी ज्वाइन इन कर लीजिए. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, कुछ रिमाइंडर्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है. तो सबसे पहले तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सब्सक्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो जितने भी हमारे नए सेशंस होते हैं पेपर वन पेपर टू के, आपको कॉन्स्टेंटली हर एक छोटी सी छोटी और बड़े से बड़े सेशंस का अपडेट मिलता रहेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल. जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का काउंटडाउन शुरू होने वाला है और इस काउंटडाउन में हम आपके बहुत सारे मैराथन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लाने वाले हैं, चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू हो. तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑफ हिस्ट्री. तो ऑल दोज पीपल जो हिस्ट्री के लवर्स हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, और यू आर इन अ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमिंग टू गिव यूजीसी नेट, जल्दी जल्दी से हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. दिस इज द ओनली way where we all can communicate. Again, जितने भी हमारे session updates होते हैं हम यहाँ पे specifically भेजते हैं. और सबसे interesting चीज़ क्या है, क्योंकि examination का countdown शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे आपको मैं हर दिन कुछ questions भेजती हूँ. I hope you all are solving those questions with explanation. तो हर दिन नई नई चीजें सीखने को भी specifically यहाँ पे मिल रही है. तो चलिए, apart from that, everybody, मैं आपसे मिलती हूँ week में दो बार. सबसे पहले मैं आपसे मिलती हूँ 11 बजे on Tuesdays, and Tuesdays को specifically हम app पे session करते हैं. Then I meet you 3 p.m. Thursdays and Fridays on YouTube. तो अब किस दिन हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं ट्यूसडे को, तो आप सेशंस में मैं आपके लिए लेके आई हूं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ताकि एग्जामिनेशन के काउंटडाउन में प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं. एंड स्पेसिफिकली यूट्यूब पे हम कर रहे हैं मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान. तो हमने 2023 का पेपर सॉल्व किया, प्लस वी आर ऑल्सो डूइंग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स प्लस मैराथन. तो ये सारी चीजें हम आपके लिए यूट्यूब और ऐप पे लेके आ रहे हैं. प्लीज मेक श्योर कि आप कॉन्स्टेंट रहें और आप कोशिश करें कि दोनों सेशंस को आप जरूर जरूर देखें, ठीक है. सो बिफोर वी गो फॉरवर्ड, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन. तो चलिए, सब लोग आ चुके हैं. सो वी हैव एनटीए, यस, राजस्थान रिजल्ट्स आर आउट. सो आई होप योर रिजल्ट्स वर वेरी वेरी गुड. एंड कंपेरेटिवली हमने इसका एनालिसिस भी किया था पेपर का. सो टारगेट जी आर एफ शिखा, देन वी हैव इनाया खुश, देन वी हैव सदफ, सचिन, प्रियंका, अमीन, मतांगिनी, मनोज, देन वी हैव सचिन. नेशनल मूवमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं. सबसे पहले अर्पिता, देन वी हैव पद्मिनी, देन एम आर, प्रियंका, देन अंकिता. ओके, पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपको सारे आंसर्स याद ही होंगे, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर करते हैं एवरीबॉडी इज ऑलवेज रिमेंबरिंग इट. यू क्वालिफाइड वेस्ट बंगाल सेट प्रियंका, तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू, ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू. तो अभी तो वेस्ट बंगाल सेट क्वालिफाई हुआ है, नेक्स्ट टारगेट जीआरएफ है. सो यू हैव टू ब्रिंग ऑल दैट, यस, यू हैव टू ब्रिंग ऑल दैट विक्ट्रीज इन योर शेल्फ. एंड सेम वे सारे लोगों के लिए ये है कि अब हमारा नेट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा जीआरएफ ही है, जो विद इन वन मंथ हम अचीव करने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन एवरीवन, वी हैव अ मेगा वर्कशॉप बाय गुलशन मैम, जहां पे ये आपको बताएंगी अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं ऑफ यूजीसी नेट, हाउ कैन यू बी अमंग द 100% percentile. अगेन, क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, क्योंकि आप सबको पता है कि पेपर वन इज द मेक एंड ब्रेक. तो जब 100% percentile लाना है, बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स हु हैव गॉट 100% percentile, तो क्या नई चीजें आपको करनी चाहिए या क्या ऐसी चीजें जो डिसकंटिन्यू करनी चाहिए, कुछ चीजें विच यू कैन एड ऑन जो शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजों पे स्पेशल डिस्कशन होने वाला है इस वर्कशॉप पे. सो फटाफट से इसको रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है. This is going to happen 19th May को 6 बजे, and you all know register करना बहुत जरूरी, or else you will not see it. So please make sure कि आप जाएं और इसको जरूर live देखें, ठीक है. एंड ये पूरे महीने एवरीबडी हम कर रहे थे एंशियंट इंडिया का टॉपिक वाइज सीरीज. तो हमने प्री हिस्ट्री हरप्पन सिविलाइजेशन खत्म कर लिया, वेदिक एज उपनिषद्स हमने खत्म कर लिया, देन महाजनपद बुद्धिज्म जैनिज्म, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली वी हैव फिनिश्ड दिस.
अब हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे मौर्य एंड पोस्ट मौर्य पीरियड। तो अब मैं आपसे मिलूंगी 23 मई को, ट्यूसडे को, जहां पे मौर्य एंड पोस्ट मौर्य पीरियड के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज उसको जरूर रिवाइज करके आइएगा। अगेन वी विल डू सम यूनिक क्वेश्चन, सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लस नेक्स्ट ट्यूजडे को हम 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर करेंगे ये सारे टॉपिक्स का जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इससे होगा कि आपने प्रीवियस ईयर भी कर लिया, आपने इन टॉपिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू मैराथन एंड प्रॉपर मॉडर्न क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होता है 11 बजे बायजूस ऐप पे। सो प्लीज मेक श्योर बायजूस एग्जाम प्रेप के ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर ले। ऑल दोज हु आर नॉट सीइंग द सेशन, प्लीज बी अप टू डेट विद द सेशंस। ठीक है, चलिए अब बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, एक चीज जो सबके लिए, लेटली लॉट ऑफ यू हैव बीन मैसेजिंग दैट यू ऑल आर फीलिंग क्वाइट डीमोटिवेटेड। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, Whenever we start any preparation, आपको अपनी तैयारी जो है ये फुल फ्लेज्ड पॉजिटिविटी के साथ ही करनी पड़ेगी। सो जब आपने अपना 30 डेज स्ट्रैटेजी बनाया है, आपने अपना प्लान बनाया है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग विद अ पॉजिटिव नोट। अगर हमने अपनी जर्नी ही नेगेटिविटी के साथ शुरू की है तो द जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। एवरी डे यू हैव टू मेक टारगेट्स, और इसीलिए मैं आज आपके लिए ये कोट लेके आई हूँ, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। प्लान योर वर्क मतलब कि भाई हमें टारगेट्स बनाने, कि आज फॉर एग्जाम्पल अगर आप उठ रहे हैं एंड टूडे इज फॉर एग्जाम्पल थर्सडे, वॉट डू वी डू टूडे, वी नीड अ स्पेसिफिक टाइम टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि हर दिन अब आपका बहुत ही क्रूशियल है। हमारा डेडलाइन जो है वो शुरू हो चुका है, हमारा काउंट डाउन शुरू हो चुका है। तो एवरी डे देर हैज टू बी सम प्रोग्रेस, भले आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं बट उस 2 घंटे में आपने कितना कुछ कवर किया है। सो यू नीड टू प्लान योर डेज इन एडवांस, यानी कि सुबह उठ के हम कंफ्यूज हैं कि अरे आज क्या करना है। ठीक है, तो यू हैव टू प्लान कि आज क्या पढ़ना है। एट द सेम टाइम वर्क योर प्लान, जो भी हम प्लान्स बना रहे हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इफ आई नो कि फॉर एग्जांपल मुझे आज मॉडर्न का से नेशनल मूवमेंट करना है फ्रॉम 1885 टू 1920, आपको ये खत्म करना ही है क्योंकि हमारे पास अब उतना टाइम का बफर नहीं है। ठीक है, सो प्लीज मेक प्लान्स एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर नेलिंग ऑल योर प्लान्स। तो ये जो अचीवमेंट है ना, ये जो आपकी सक्सेस है, यू ऑल नो इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। कितनी बार हम कितनी हार्डवर्क करते हैं तो भी एंड में हम कुछ परसेंटाइल से रह जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट दो स्मॉल स्टेप्स जो हम स्पेसिफिकली लेते हैं, और आपको धीरे धीरे स्टेप्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि टाइम काफी जल्दी जल्दी पार हो रहा है। यू सी मिड मे इज गॉन, मे का 10-12 दिन एंड मे इज ओवर। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरी डे यू आर डूइंग सम प्रोग्रेस, यू आर डूइंग सम एक्शन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लीज इंटीग्रेट कर लीजिए। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, कुछ प्रीवियस ईयर्स अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो उसको लर्न कर लीजिए, टेक इट लाइक अ स्टडी मटेरियल। आपका मेजर वर्क जो भी आपकी बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, प्लस प्रीवियस ईयर्स, उसको इंटीग्रेट कर लीजिए लाइक इट्स अ स्टडी मटेरियल। एवरी डे कीप मूविंग। हो सकता है कि मॉक में हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं, हो सकता है टॉपिक वाइज में कम मार्क्स आ रहे हैं, हो सकता है हम रिविजन में भूल रहे हैं, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये होता रहेगा, द जर्नी के नॉट बी स्मूथ ना, जहां पे हर दिन आपको एक बार में एंशियंट याद हो गया, एक बार में मॉडर्न याद हो गया, मॉक में भी 100 में 100 मिल रहा है। इतनी स्मूथ सिंपल जर्नी कभी नहीं रहेगी। सो दैट इज वाई यू हैव टू कीप मूविंग, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट है टू क्लियर जीआरएफ। सो योर आई शुड बी ऑन योर गोल, कि भाई गोल ये है उस दिन हमें अच्छा परफॉर्म करना है। उस दिन के पहले यू विल फॉल 1000 times, यू विल बी डीमोटिवेटेड। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप ऑन मोटिवेटिंग। हर दिन गलतियां होंगी, हर दिन मॉक में गलत होगा, हर दिन हमें डीमोटिवेशन लगेगा। यू हैव टू बैक योर सेल्फ अप एंड यू डू नॉट हैव टू क्वेश्चन योर अबिलिटीज एंड पोटेंशियल। सो प्लीज डू नॉट क्विट, क्योंकि अभी क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आने लगेगा। यू वुड गेट लॉट ऑफ Some people would say that, you know, you're not getting support from people. तो ये होगा, but आपको यहाँ पे खुद को back करना है and you have to be your self motivator. Don't look at the world की दुनिया motivate करेगी. So please make sure you are planning ahead for a week कि भाई इस week में क्या क्या करना है, आज क्या करना है। चलो 20% target अगर नहीं होता है तो वो कल कर लेना है, but make sure that you are now finishing your targets and every day you are moving. नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, just visualize yourself. Your favorite college जहाँ पे आपको लगता होगा कि यार मे को यहां पे पढ़ा है, मे बी आप जिस कॉलेज के एलुमनाई हो, जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, जस्ट इमेजिन। समटाइम्स यू फील डीमोटिवेटेड, आपको लगता है नहीं होगा, जस्ट विजुअलाइज दैट डे जब आप इंटरनेट खोलते हो एंड जब आप नेट के वेबसाइट पे जाते हो एंड यू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट, यू पुट इन योर रोल नंबर एंड सडनली दैट सर्टिफिकेट कम्स विद सेज क्वालिफाइड फॉर यूजीसी नेट एंड जीआरएफ। तो दैट इज ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट टू विजुअलाइज, विजुअलाइज बिगर थिंग्स, विजुअलाइज यू अचीविंग योर गोल।
ऑटोमेटिकली डीमोटिवेशन खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा यार 15 दिन तो और पुश करना है. सो प्लीज मूव फॉरवर्ड, विजुअलाइज योर सेल्फ अचीविंग दैट गोल एंड योर जर्नी वुड बिकम वेरी इजी. देखो थोड़ी डिफिकल्टीज तो हमेशा रहेंगे, सबके लाइफ में होते हैं, बट वही ओवरकम करना है. अगर हम अभी हार मार गए तो फिर एवरीथिंग इज ओवर. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू हैज बीन मैसेजिंग, यू हैव टू बी वेरी ब्रेव, यू हैव टू बी सुपर स्मार्ट, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल. और ये याद रखिएगा कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है 15-20 मोर डेज एंड यू रीच योर ड्रीम. सो इट्स बेटर ना कि हम 20 डेज थोड़ा मेहनत कर ले, थोड़ा अपने आप को सस्टेन करें, थोड़ा खुद को मोटिवेट करते रहे एंड क्लियर इट रादर देन वेटिंग टिल दिसंबर. ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट एंड शुरू करते हैं. चलो ठीक है, सब आपस में बात कर रहे हैं. सो आई होप दिस मैसेज इज क्लियर, डोंट बी डीमोटिवेटेड. नाउ लेट्स स्टार्ट. आधी चीजें तो मोस्टली मुझे लगता है सबको याद ही होगा क्योंकि आई थिंक प्रीवियस ईयर्स एवरीबडी हैज लर्न्ड इट. तो आज हम कुछ रीसेंट ट्रेंड्स और क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आर वी एबल टू सॉल्व इट और नॉट. ठीक है, तो किसको महात्मा गांधी जी ने ये स्पेसिफिकली एडवाइस दिया था कि मैंने आपको मैसेजेस भेजा है सो दैट आप बेसिकली यू डू नॉट डाई अंडरग्राउंड, यू आर रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, डू कम आउट एंड सरेंडर योरसेल्फ एंड विन द प्राइज ऑफर्ड फॉर योर अरेस्ट. तो ये किसको महात्मा गांधी जी ने स्पेसिफिकली बोला है? अरुण आसफ अली को, ये बेसिकली बोला है इन्होंने भिकाजी कामा को, भगत सिंह को और सुखदेव को. सो दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी स्पेसिफिकली हमारा आया है. सी एवरीबडी इज गिविंग द राइट आंसर हियर. जो क्वेश्चन है एवरीबडी, ऑल दीज क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन दी ऐप, सो यू कैन गो एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दी ऐप एंड 2023 का इट विल कम इन फ्यू डेज. ठीक है, तो विदाउट फेल आई थिंक सारे लोगों के आंसर सही है. यहाँ पे अरुण आसफ अली, एंड जनरली अरुण आसफ अली पे 2 बार प्रीवियस ईयर्स बैक टू बैक आया. एक तो कभी क्विट इंडिया के टाइम पीरियड में किसने हमारा तिरंगा लहराया था, दैट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन. सो 2 टाइम्स बैक टू बैक क्वेश्चंस हैव बीन देयर. एंड मैंने आपको वर्कशॉप पे एक पीडीएफ दिया था जहां पे मैंने आपको पर्सनैलिटीज पे पीडीएफ दिया था. आई होप कि वो पीडीएफ आपने पढ़ लिया होगा जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया था. मैंने आपको वुमेन पर्सनैलिटीज पे भी पीडीएफ दिया था. आई होप जिन्होंने अटेंड किया था यू हैव दैट पीडीएफ. आई गिव यू PDF of other personalities also, please उनको go through कर लीजिएगा for any elimination technique or any आपको one line question आ गया, comprehension आ गया, तो ये buffer information आपको हमेशा मदद करेगा to solve more questions. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज अरुण आसफ अली. तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो एक और हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि इन्होंने होस्ट किया था हमारा नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. सो दिस इज अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंपली हमने कर लिया बेस्ड ऑन द सेम पर्सनैलिटी. सेकेंड जो कि काफी इंटरेस्टिंग एंड रिपीटिंग क्वेश्चन इज क्रोनोलॉजी. जब भी हम नेशनल मूवमेंट करते हैं क्रोनोलॉजी क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. तो ये एनी डे आपका जो टाइमलाइन है ये पूरा कवर्ड रहना चाहिए. ठीक है, सो वी हैव द कैबिनेट मिशन प्लान, हम बात कर रहे हैं वेवल प्लान की. वी आर टॉकिंग अबाउट एटलीज अनाउंसमेंट, माउंट बैटन का प्लान या क्रिप्स प्रपोजल. तो कौन सी हमारी इवेंट्स है, इनको क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है. ठीक है, तो यूजुअली जब हम क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस करते हैं ना, आई होप कि आपने प्री कांग्रेस एसोसिएशंस की क्रोनोलॉजी रेडी कर ली है. से येस इन द कमेंट सेक्शन. आई होप यू हैव डन प्री कांग्रेस एसोसिएशन. आई होप कि सारे जो एक्ट्स हैं वो हमें पता है, जैसे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया, वेवल प्लान कब आया, देसाई लियाकत पैक्ट कब आया, दैट पार्ट इज क्लियर. ठीक है, आजकल INA के क्रोनोलॉजी आ रहे हैं. ठीक है, INA के बेसिकली कब फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से प्रोसेस बढ़ा, दैट पार्ट इज क्लियर. ठीक है, तो मोस्टली क्रोनोलॉजी में ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि यहां से हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं. कभी कभी वो क्या कर रहे हैं, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की जो PDF आपके पास होगी उसके वो इवेंट्स दे दे रहे हैं एंड दे आर टेलिंग यू उसको अरेंज कर दो. ठीक है, तो ये सब जो भी PDF आपको मिले हैं, जो आप गवर्नर जनरल्स वाइसरॉयस पढ़ने, उसका ईयर फॉर वन लाइनर क्वेश्चन, वो टिडबिट इवेंट्स फॉर क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस, ये बहुत ही कॉमन है पेपर में. ठीक है, चलो तो ये तो विदाउट फेल आई थिंक एवरीबॉडी हियर इज राइट एंड सबके ही यहां पे ऑप्शन सही है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्रिप्स प्रपोजल मार्च 1942, वेवल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन प्लान हमारा हो गया 16th मई 1946, 20th फरवरी 1947 इटली अनाउंसमेंट. एक बार आपको ये डेट भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. ठीक है, और आपको ये भी पूछा गया कि ब्रिटिश लोगों ने क्या डेडलाइन दिया था. सो 30th जून 1948 इनका डेडलाइन था एंड देन माउंट बैटन प्लान 3rd जून 1947. अब जो जो इवेंट सिंगल ईयर में हुए एवरीबडी प्लीज रिमेंबर द मंथ. ठीक है, जैसे आप देखोगे 1930 वाला टाइम पीरियड हो गया, 1931 वाला टाइम पीरियड हो गया,
सो ये सारे जब इयर्स है ना, इसमें मल्टीपल इवेंट्स हो रहा है. आप देखोगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, कराची सेशन भी हो रहा है, गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हो रहा है. सो वेन एवर देर आर मल्टीपल इवेंट्स ना, उसका मंथ याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये भी क्रोनोलॉजी आया है जहां पे तीन इवेंट हो तो रहे 1931 में, बट कब हो रहा है दैट मंथ यू हैव टू रिमेंबर. कुछ तो आप सिंपली बाय लॉजिक कर लोगे कि भाई ऑब्वियसली गांधी इरविन पैक्ट होगा तभी उसको कराची में एंडोर्स करेंगे, बट कुछ कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप मंथ स्किप करते हो. ठीक है, तो अब जब वो लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हो ना, कुछ मेजर इवेंट्स के मंथ जरूर पढ़ लीजिएगा. ठीक है, नंबर थ्री. सी अगेन, दिस इज वेरी रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द नेशनल मूवमेंट. आप देखोगे हर साल प्री कांग्रेस एसोसिएशन से हमें क्वेश्चन आता ही आता है. तो अगर आपको एक ऐसी एरिया चाहिए ना जहां पे आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन गारंटीड आएगा, इट इज हियर. या तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में देंगे, या दे गिव यू इन क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, और ये असर्शन रीजनिंग आ गया, और ये थ्योरी आ गया, ये किसी ना किसी तरीके से पेपर में आएगा ही आएगा. ठीक है, सो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बॉम्बे में हुआ था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन कैलकटा में, मद्रास महाजन सभा जो मद्रास में फॉर्मेशन हुई थी, इल्बर्ट बिल की कॉन्ट्रोवर्सी. तो इसको अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. हर साल मॉडर्न से अप्रोक्सीमेटली विल सी 5 to 8, अगर मैं सिर्फ नेशनल मूवमेंट की बात करूं, नॉट पूरे मॉडर्न, तो इतने क्वेश्चन क्रोनोलॉजी हमारे आराम से निकलते हैं. और जनरली अगर आप पूरा का पूरा पेपर देखोगे तो 12 से 16 क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेटली हर साल डिफर करता है, बट इतने एंशियंट मिडिवल मॉडर्न को मिला के 10-12 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं क्रोनोलॉजी के. ठीक है, चलो. सो एवरीबडी हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है. सो वी हैव इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन हुआ था दिसंबर 1883, एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी 1883 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, इट वॉज इनैक्टेड जनवरी 1884, मद्रास सभा फाउंडेड एट मद्रास मे 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्मेशन हुआ था 1885, एंड इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में 1887. तो यहाँ पे इयर्स इंपॉर्टेंट है. कभी कभी यहीं से अगर आपने पेपर देखा, आपको वन लाइन क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये सभा इसका फॉर्मेशन कब हुआ था. कभी कभी दे विल गिव यू द नेम ऑफ पर्सनैलिटीज जो इनके साथ स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है. ठीक है, नेक्स्ट. अगेन सी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन अगेन, बट ये देखिए ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन मिक्सड है. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स. वी हैव कूका मूवमेंट इन पंजाब, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने डिस्क्वालिफाई किया था आईसीएस, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग जिसकी स्थापना हुई थी कैलकटा में, एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज का फाउंडेशन रचा था. अगेन देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन. तो यहीं पे इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी दे दिया, यहीं पे इन्होंने प्री आईएनसी एसोसिएशन भी दे दिया, यहीं पे इन्होंने प्रॉपर आपको बाकी मूवमेंट्स जो प्रेजेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए वो भी दे दिए. अगेन सी वेरी इजी क्वेश्चन, इसको हमने बहुत बार किया भी है तो मुझे लगता है अभी तक तो आपको आंसर इसका याद हो गया होगा. दीज आर द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि पेपर में आने लगे हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी अप्रैल 1870, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का ही गेव हिज फाइनल एग्जाम्स आईसीएस का 1871, बाद में डिसमिस हो गए थे 1874, कुका मूवमेंट ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था 1872, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पेसिफिकली फाउंडेशन ले किया था आर्य समाज का अप्रैल 1875, एंड इंडियन लीग की फॉर्मेशन हुई थी कैलकटा में सितंबर 1875. अब देखो दोनों 1875 है, वन इज इन अप्रैल वन इज इन सितंबर, तभी कुछ चीजों के आपको मंथ थोड़ा याद रखना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि भाई कुका मूवमेंट जो है इसके हिसाब से क्रोनोलॉजी का आंसर गड़बड़ हो जाएगा, बट यहाँ पे इन्होंने वेगली इसको 19th century मान के चला है, तो ऑफिशियल आंसर की में हमारा सी ही आंसर है. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि जनरली इसके टाइम पीरियड को दे हैव जस्ट टेकन लाइक 19th century वेरी. ठीक है, नंबर 5, सी अगेन क्रोनोलॉजी. ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो अब आप ये देख लीजिए कि पेपर का ये कोर है जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो, और ये सारे जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो स्टार्टिंग के 5, ये सब 2023 का फरवरी का क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चंस आपके 2023 हो गया, दीज आर दी क्वेश्चंस ऑफ योर अक्टूबर 2022, तो ये वहां से क्वेश्चंस आए हैं. तो कहीं ना कहीं ये रीसेंट ट्रेंड है पेपर का. इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ट्रेड यूनियन एक्ट, देन वी हैव काकोरी रॉबरी, देन वी हैव जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन, एंड हंटर कमिटी का रिपोर्ट. तो ये इजी है, क्योंकि ये बेसिकली आपने ये सब तो हम पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं कि हंटर कमिटी कब आया, जलियांवाला बाग कब हुआ, स्वराज पार्टी कब बनी, तो अगर हमें बेसिक नेशनल मूवमेंट की कहानी पता है तो ये हम आराम से कर सकते हैं. सो
सबने लर्न कर लिया है इसको। चलो ठीक है, सो द करेक्ट आंसर है एब्सोल्युटली बी। तो जलियांवाला बाग मैसेकर होगा सबसे पहले 1919, उसके बाद हंटर कमिटी बनी थी टू इन्वेस्टिगेट की जनरल डायर ने क्या एक्शंस आर जस्टिफाइड और नॉट, इसके रिपोर्ट आते हैं 1920। स्वराज पार्टी फॉर्म होती है जनवरी 1923, काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है 1925 एंड ट्रेड यूनियन एक्ट पास होता है 1926। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। तो आप देखो 2 साल में कितने तरह तरह के क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आए हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड वी हैव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। सो विच इज करेक्ट? सो वी हैव ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वी हैव इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड वी हैव HSRA। तो अगेन इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रेड यूनियन भी आ गया, हमारे पास एसोसिएशंस भी आ गए, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी आ गया, एडुकेशन से भी क्रोनोलॉजी आता है, पेजेंट ट्राइबल से भी आता है। तो वेरी कॉमनली आस्क्ड एरिया इन द पेपर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया 31 अक्टूबर 1920, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया 3 मई 1947, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 एंड HSRA 1928 एंड HRA 1924, है ना। और आपको प्रीवियस ईयर में एक लाइन क्वेश्चन भी आया था कि ये HRA HSRA जब बनता है तो कहाँ पे बनता है, विच इज दैट एरिया। तो यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा पिछले साल ही एक और निकला है रिगार्डिंग HSRA। ठीक है, नंबर 7, इनमें से कौन से डेलीगेट हैं एट द कांग्रेस सेशन एट कराची जिन्होंने गांधी इरविन पैक्ट को अपोज नहीं किया, क्योंकि जब गांधी इरविन पैक्ट हुई थी तो सारे लोगों ने गांधी इरविन पैक्ट को जनरली अपोज किया था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस थे जो ब्रिटिशर्स ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया था, है ना। तो इनमें से किसने अपोज नहीं किया था? सो वी हैव जमुना दास, हम बात कर रहे हैं यूसुफ मेहरोली की, वी टॉकिंग अबाउट स्वामी गोविंद नंदा, या हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम ठाकुर दास की। तो इनमें से कौन से डेलीगेट है एट द कांग्रेस सेशन एट कराची जिन्होंने गांधी इरविन पैक को अपोज नहीं किया था? ठीक है, सो एवरीबॉडी इन द लास्ट मंथ आई होप यू ऑल हैव मेड अ टिडबिट लिस्ट। ठीक है, तो क्या आपने टिडबिट लिस्ट बना रखी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था? क्योंकि जब देखो हम एंशियंट मिडिवल मॉडर्न क्लब करते हैं तो बहुत सारे ना ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिंपल फैक्चुअल होते हैं, जिनको हम इनमें रिवाइज करना भूल जाते हैं, जिनको बेसिकली, तो इनका ना एक लिस्ट बना लो जहां पे जो टॉपिक सिंपल फैक्चुअल है। तो वेन एवर यू स्लीप, आप 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले या 2 दिन में एक बार आपने पूरे वो लिस्ट के टॉपिक्स को बार 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 आपने गो थ्रू कर लिया, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, 40% पीछे से रिविजन चलता रहेगा फैक्चुअल ओरिएंटेशन का, चाहे वो एंशियंट हो, मिडीवल हो या मॉडर्न हो। तो मेक दैट टिडबिट टॉपिक, जैसे मान लो आपने उपनिषद लिख दिया, जैसे मान लो आपने प्रशासनिक टर्म्स रिवाइज कर लिया फटाफट, ओके, आपने बेसिक सोर्सेस कर लिया, आपने एसोसिएशंस के ईयर और फाउंडर देख लिए सिर्फ। ठीक है, तो वेर यू आर रिवाइजिंग इट, ये नहीं कि हम एसोसिएशन पढ़ रहे तो पूरा रटने बैठ गए, नहीं, वो तो आपने अलग टाइम डेजिग्नेट किया होगा। और टिडबिट लिस्ट जहां पे जो फैक्ट्स है ना जो मोस्टली भूल जाते हैं, जैसे एक दिन हमने गवर्नर जनरल वाइसरॉय देख लिया, तो ये कुछ चीजें ना जो आप लर्न कर चुके हैं, बट टेंडेंसी है कि यार हम 2 दिन में भूल जाएंगे। जैसे आपने एक दिन कॉइन्स की क्रोनोलॉजी देख ली, ठीक है, आपने रूलर्स के टाइटल्स देख लिया, आपने पोर्ट एरियाज देख लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर एक बार क्रोनोलॉजिकली गो थ्रू कर लिया। तो ऐसे ना कुछ टिडबिट लिस्ट बनाइए फॉर दोस टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो भूल हम ज्यादा सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसको हर दिन थोड़ा बहुत देख लिया, 2-3 दिन आप उसको कॉन्स्टेंटली देखेंगे ना, वो आपको रजिस्टर हो जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट यू नो गेटिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी पुरुषोत्तम दास। तो बेसिकली इन्होंने अपोज नहीं किया था, काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मॉडरेट लीडर थे, ही वाज ऑलवेज इन फेवर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेशन करेंगे, उनके साथ अगर अच्छे टर्म्स में रहेंगे तो ये इंडिया के लिए काफी बेटर होगा। ठीक है, नंबर 8, 1913 में किसने ये बोला है? ठीक है, नो इंडियन कुड स्टार्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, कोई भी भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नहीं शुरुआत कर सकता था, अगर कोई भारतीय इसको स्टार्ट करने आता तो जो इंडिया में ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे वो कभी भी इस मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। अगर ये फाउंडर कांग्रेस का इंग्लिशमैन नहीं होता तो आप देखोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अथॉरिटीज परमिशन ही नहीं देते कांग्रेस बनाने का, और अल्टीमेटली कोई रास्ता नहीं निकलता और ये सप्रेस हो जाता। तो इनमें से ये वर्ड्स किसने बोला है?
फिरोज शाह मेहता ने बोला है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है, इट इज सेड बाय बिपिन चंद्र पाल या गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि फाउंडर अगर कांग्रेस के इंग्लिशमैन नहीं होते तो इट वुड हैव बीन वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो कांग्रेस पे एवरीबडी हर साल क्वेश्चन आते हैं, जनरली एक साल नहीं आएगा बट 2-3 साल लगातार आता है। तो कांग्रेस के सेशंस डन है, जो भी कांग्रेस रिलेटेड कोर्ट्स हो गया उनके फॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया, या मान लो लखनऊ सेशन से रिलेटेड कोई मेजर कोर्ट्स हो गया, हरिपुरा सेशन हो गया, तो ये बेसिक सेशंस आपको याद हो गए, कोर्ट्स हो गया, और जितनी कांग्रेस फॉर्मेशन की थ्योरी है एवरीबॉडी दैट इज डन, जैसे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी हो गई है ना, सो आई होप कॉन्स्पिरसी थ्योरी हो गई, ये सारे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी हो गई, ये सारी चीजें डन है ना। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जहां पे स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स ने बोला था कि भाई देखो एक रेवोल्यूशन क्रांति हो सकती है, तो अगर हम इंडियंस को एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दे देंगे तो जो फ्रस्ट्रेशन है वो सप्रेस हो जाएगा, अल्टीमेटली रेवोल्यूशन नहीं होगा। लाइटनिंग कंडक्टर वी नो कि भाई हमें कांग्रेस की जरूरत थी क्योंकि हमारे प्री कांग्रेस एसोसिएशन उतना रिजल्ट नहीं दे पाए, तो बट वी न्यू वेरी वेरी वेल कि यार हमें कांग्रेस चाहिए, बट अगर खुद से बनाएंगे तो ब्रिटिशर्स वुड सप्रेस इट। तो ब्रिटिशर्स अगर विलिंगली बना रहे हैं तो वाई नॉट, फायदा तो हमारा ही है। एंड कॉन्स्पिरसी थ्योरी आर पाम दत्त, ये क्या थ्योरी है? वेल इट इज अ थ्योरी सेइंग कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही कांग्रेस की स्थापना की है, तो इट्स अ वेरी नाइस कॉन्स्पिरसी कि कल को कांग्रेस कुछ करना चाहे तो ब्रिटिशर्स वुड ऑलवेज कीप अ ट्रैक एंड वो हमेशा इन चीजों को सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये स्पेसिफिकली हमारा इशू था 1880s में, एक क्वेश्चन आया था ना कि भाई कॉमन लोग क्यों नहीं फोर फ्रंट में आ रहे हैं, क्योंकि जो मॉडरेट फेज था उसमें मासेस को ज्यादा आप देखोगे उन्होंने मासेस को उतना फोर फ्रंट में वो नहीं लेके आए, प्लस स्टार्टिंग के जो लीडरशिप थे दे वर ऑलवेज ऑफ बिग पीपल। तो ये पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी थी कि भाई ब्रिटिशर्स यूज टू से कि भाई ये माइनॉरिटी है क्योंकि यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन। एंड तभी 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ये पूरा का पूरा थ्योरी दिया था, वेर एक्सप्लेन कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते और हेल्प नहीं करते तो शायद ये एस्टैब्लिशमेंट कभी बन ही नहीं पाता। ठीक है, चलिए नंबर 9, इनमें से कौन सी जगह से सुभाष चंद्र बोस ने अपना वेरी फेमस कॉल दिल्ली चलो जो है वो दिया था? रशिया, जर्मनी, इटली या सिंगापुर? तो ये कब पहुंचते हैं? तो बेसिकली ही रीचेस सिंगापुर जर्मनी से, वो सिंगापुर पहुंचते हैं कब? अप्रोक्सीमेटली हमारा जुलाई 1943, और यहीं से ये स्पेसिफिकली दिल्ली चलो जो है इनका फेमस कॉल ये स्पेसिफिकली इशू करते हैं ना। और इनके दो सेशंस आई होप आपको ये याद होगा, हरिपुरा सेशन 1938, देन वी हैव त्रिपुरी सेशन 1939, बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। एंड इनकी जगह पे कौन आया था एवरीबडी? बाद में ही रिजाइन, एंड इनकी जगह पे कौन आया था? Who was elected as the president इनके बिहाफ में इनके जगह पे? ये याद रखिएगा, INA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 टाइम से आ रहा है। एंड देन हमारी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है 21 अक्टूबर 1943, राजेंद्र प्रसाद बिकम्स, एंड ये इनके बिहाफ में बाद में जब ये रिजाइन कर देते हैं तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर सिंगापुर। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए इट्स फ्रॉम फेब्रुवरी 2023, अक्टूबर 2022 और इसके पहले का, तो अभी हम रिसेंट 3 साल में चल रहे हैं जो मोस्ट रिसेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए, दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू, वन लाइनर क्वेश्चन year based। इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन नेशनल प्लानिंग कमेटी कब सेटअप की जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? 1934, 1939, 1938 या 1944? तो इट्स अ वेरी सिंपल बेस्ड क्वेश्चन जहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली आपको ईयर पूछा है। ठीक है, तो वन लाइन ऑफ क्वेश्चन हो गया, आपको आ गया था इनकम टैक्स किसके टाइम पे आया है, कब आया है, आपको आ जाएगा यूनिवर्सिटी एक्ट कब आई है, तो यहाँ पे ईयर बेस भी चीजें में रखनी है। ठीक है, सो वी नो वेरी वेल 1938, तो हमने देखा था जब लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स आप पढ़ते हो कि कैसे लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, एंड ये लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के अंतर्गत आप देखोगे जो कराची सेशन हुआ था 1931 में, उसमें याद है आपको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आए थे, जो इकोनॉमिक प्रोग्राम आया था, दिस इज ऑल द इन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके अलावा याद है 1936 में जो हमारा फैजपुर सेशन हुआ था, ऑल्सो दिस सेशन ऑल्सो गिव्स अस दैट, क्योंकि इस फैजपुर सेशन में भी रेजोल्यूशन आया था ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये यहां भी स्पेसिफिकली आ चुका है। उसके अलावा जो इस बार आपको क्वेश्चन आया 1944 में जो बॉम्बे प्लान हो गया, ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कभी भी कुछ क्रोनोलॉजी आ जाएगा, और इस तरह के ईयर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और ये लेटेस्ट ट्रेंड है। ठीक है, नंबर 11, इनमें से कौन है जो काकोरी कॉन्स्पिरसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है? सो वी हैव शौकत उस्मानी, वी हैव बेसिकली चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान।
अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। एक तो आपको याद तो उन्होंने मैच द फॉलोइंग दे दिया, ठीक है, और दे वुड सिंपली गिव यू वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे इस बार HSRA पे आया था, या इन्होंने आपको पूछा कौन एसोसिएटेड है कौन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर हियर शौकत उस्मानी। आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ये रॉबरी प्लान की गई थी राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान द्वारा। इसको एग्जीक्यूट किया था बिस्मिल ने, खान ने, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, देन दे बनवारी लाल, मुकुंदी लाल एंड बेसिकली मनमनाथ गुप्ता। 8 अगस्त 1925 को डिसाइड किया जाता है कि भाई हम गवर्नमेंट की ट्रेजरी को लूटेंगे और आर्म्स को हम लेंगे, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को रेवोल्यूशनरीज, हमारा नंबर 8 डाउन ट्रेन नियर कॉकुरी, इसको स्टॉप करते हैं, 8,000 रुपीज लूटते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद सीधे सीधे मैनहंट करती है कि भाई इन रेवोल्यूशनरीज को वापस से अरेस्ट करना है। 26 सितंबर 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल अरेस्ट हो जाते हैं एंड फाइनली काकोरी ट्रायल्स शुरू होते हैं इन द कोर्ट ऑफ ए हैमिल्टन 21 मई 1926। बाय 1926 मिड तक अशफाकुल्ला खान एंड बेसिकली सचिंद्र बख्शी ये अरेस्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ये जो ट्रायल शुरू होती है काकोरी की, ये 21 मई 1926 को शुरू होती है। अप्रोक्सीमेटली HRA के 28 मेंबर्स पे ये शुरू होता है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ लॉयर्स थे जो इनको डिफेंड कर रहे थे क्रांतिकारियों को। कौन से लॉयर्स थे? गोविंद बल्लभ पंत, देन वी हैव चंद्र भानु गुप्ता, गोविंद नाथ श्रीवास्तव, देन वी हैव RN बहादुर जी, कृपा शंकर, BK चौधरी, मोहन लाल, अजीत प्रसाद। सो ये कुछ ऐसे हमारे लॉयर्स थे, वकील थे, जो इनके लिए बिहाफ में इनको डिफेंड कर रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल खुद को डिफेंड करते हैं एंड जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं इनका नाम था पंडित जगत नारायण मुल्ला, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरीज को डिफेंड नहीं करते और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हैं। तो ये कुछ याद रखिएगा क्योंकि भाई आजकल कुछ भी आ सकता है पेपर में। सो दीज आर द लॉयर्स जिन्होंने डिफेंड किया था, ठीक है। नंबर 12, इनमें से कोट मैच द फॉलोइंग है, द इंडिविजुअल मस्ट डाई सो दैट द नेशन मस्ट लिव, ये किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस ने। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही है भारत को स्वतंत्रता मिल रही है, जवाहरलाल नेहरू। ये फाइट जो 1920 में शुरू हुआ था ये फाइट फिनिश होगा, वेदर ये एक साल चले, एक महीना चले, मंथ्स चले, इयर्स चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज सेड बाय चित्रंजन दास एंड बहुत सून एक फाइनल बैटल होगा, एक अंतिम लड़ाई होगी। इसका जो परिणाम है इट विल बी डिसाइसिव। हमने इस स्ट्रगल में पार्ट लिया एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमने इस संघर्ष में हिस्सा लिया। इट्स सेड बाय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो इसमें से एक ऐसी कोट है जो गलत है, ठीक है। सो सी, क्योंकि ये जो कोट ये चित्रंजन दास ने नहीं बोला था, इट इज सेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जनरली याद रखिएगा, ये गांधी जी की जो आर्टिकल पब्लिश हुई थी यंग इंडिया में February 23, 1922, उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली ये डिक्लेयर किया था, ठीक है। 13, इनमें से कौन से सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक प्रोसेशन हुआ था जॉइंटली जिसको लीड किया था कांग्रेस प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू ने और मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट हकीम अजमल खान ने। तो कौन सा ऐसा हमारा कांग्रेस सेशन था विच वॉज जॉइंटली लेड बाय देम, और कहां हुआ था ये? सिविल सी, अचिंसन पार्क में हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 10,000 डेलीगेट्स इस सेशन में स्पेसिफिकली आए थे और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, अमृत सेशन 1919। और एवरीबॉडी, लखनऊ सेशन 1916 के कौन प्रेसिडेंट थे? जस्ट फॉर क्विक रिविजन, रिमेंबर वी हैव AC मजुमदार। कैलकटा सेशन 1920 जो हुआ था, इसके हेड कौन थे हमारे? सो यू नो लाला लाजपत राय। एक हमारा यहाँ पे स्पेशल सेशन भी हुआ था, और ये जो अहमदाबाद सेशन हो गया, ओके, सो यहाँ पे हकीम अजमल खान, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सारे सेशंस, कौन सा सेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 14, अगेन, इनमें से कौन से लॉयर्स हैं, किसने डिफेंस किया था INA मेंबर्स को, हु लेड द डिफेंस ऑफ ट्रायल्स अगेंस्ट द INA मेंबर्स? सो वी हैव भूला भाई देसाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। ठीक है, तो इनमें से कौन थे हु वाज लीडिंग द डिफेंस इन ट्रायल्स? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर, जो आपके दाएं हाथ और बाएं हाथ का खेल होगा, इट्स बेसिकली भूलाभाई देसाई। तो ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लॉयर्स भूलाभाई देसाई, असफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ एंड वी हैव बेसिकली होरीलाल वर्मा, ठीक है। और इस कमिटी को लीड किया था भूलाभाई देसाई ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसने बोला था ये? बंगाल जब तक यूनाइटेड रहेगी तब तक पावरफुल रहेगी, जैसी बंगाल डिवाइड हो जाएगी इट विल स्टार्ट पुलिंग इन डिफरेंट डिफरेंट दिशाएं। सो इट इज सेड बाय लॉर्ड कर्जन, इसको बेसिकली अलेक्जेंडर मैकिन्सी ने बोला है, लॉर्ड मॉरल ने बोला है और HH रिजली ने बोला है।
और एक क्यों बोला रिमेम्बर, तो हमने जब ये देखा था जब कांग्रेस स्थापना हो गई थी तो ब्रिटिशर्स ने हमेशा बोला था कि आपको सोशल मुद्दे डिस्कस करने हैं, बट स्पेसिफिकली इन द सेकेंड कांग्रेस का सेशन हमने डिसाइड किया था कि हम सोशल सामाजिक मुद्दे डिस्कस नहीं करेंगे, रादर वी विल डिस्कस पोलिटिकल इशूज, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट भारत के पोलिटिकल इशूज पे कुछ ना कुछ जरूर बोल सकता है. सोशल इशूज आर डिफरेंट क्योंकि हर कम्युनिटी के अलग अलग इशूज हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया को डिवाइड करने के लिए बहुत ही सबटल तरीका है जो ब्रिटिशर्स अपना रहे. तो वी मेड अ पॉइंट कि हम सिर्फ पॉलिटिकल चीजें डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे बंगाल हमारा नर्व सेंटर बनने लगा था भारतीय राष्ट्रवाद का. सो ब्रिटिशर्स रियलाइज कि भाई अगर बंगाल पावरफुल रहेगा तो ये चीजें हमेशा आगे बढ़ेंगी. बंगाल को डिवाइड कर देते हैं एंड यहीं पर हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल आया था, है ना, 1905, जिसके खिलाफ हमने स्वदेशी मूवमेंट जो है ये स्पेसिफिकली शुरू की थी. एंड फ्रॉम 1903 जब अनऑफिशियली हमें पता लगा था, टिल 1905 हमने बहुत सारे मॉडरेट मेथड यूज किया था टू मेक श्योर कि भाई ये जो ऑफिशियल न्यूज है ये ना आए और ब्रिटिशर्स इसको रिकंसिडर करें, बट अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं. एंड इवेंचुअली बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड द वे स्वदेशी मूवमेंट कैसा चलेगा, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में सूरत में स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, सो ये स्पेसिफिकली बोलते हैं H.H. रिजले. सो ये कौन थे, ये हमारे होम सेक्रेटरी थे. 6 दिसंबर 1904 को ये स्पेसिफिकली लिखते हैं कि भाई बंगाल जब तक पावरफुल रहेगा जब तक ये यूनाइटेड है. ठीक है, एंड 19 जुलाई 1904 को कर्जन ऑफिशियली पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस करते हैं. क्या रीजन देते हैं, ये कहते हैं कि भाई बंगाल बहुत बड़ा है तो प्रशासनिक तरीके से हम उसको नहीं रूल कर पा रहे, बट अल्टीमेटली द रीजन वॉज टू कर्ब जो हमारी नेशनल राष्ट्रीयता थी, जो राइजिंग राष्ट्रवाद थी. ठीक है, इनमें से कौन है हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद लाहौर रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग ऑन 23 मार्च 1940. खिजर हयात खान, हम बात कर रहे हैं सिकंदर हयात खान की, हम बात कर रहे हैं खली कुजमा की और बेसिकली फजलुल हक की. सो हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर यर ए, दैट इज खिजर हयात खान. तो जनरली याद रखिएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन हुआ था लाहौर में 20 से 24 मार्च 1940. 1946 में स्पेसिफिकली आप देखोगे ये जो स्पेसिफिकली हम प्रपोजल की बात करते हैं, इट वॉज रिटन एंड प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद जफरुल्ला खान और इसको प्रेजेंट किया था ए के फजल हक ने. एक्सेप्ट फॉर खिजर हयात खान सारे लोग इसके स्पेसिफिकली पार्ट थे. तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स, उनका कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग पे भी 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, किसने किसान सभा मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था बिहार में ताकि जो पेजेंट्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाए और जमींदारों के अगेंस्ट स्पेसिफिकली इनको मोबिलाइज करके जो ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं उनके खिलाफ किसानों को खड़ा किया जाए. तो हु डिड इट, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती और आचार्य नरेंद्र जी. अब इसका आंसर आप सबको पता है, बट इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लेके चलते हैं रिगार्डिंग स्वामी सहजानंद सरस्वती, क्योंकि देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है. जब भी हम किसान सभा मूवमेंट की बात करते हैं वी ऑलवेज रिमेंबर हिम. तो कुछ इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनकेस आपको एग्जाम्स में काम दे दे. सबसे पहले ये बॉर्न हुए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ गाजीपुर यूपी में, एंड कहा जाता है कि भाई इन्होंने अपनी फैमिली घर को रिनाउंस कर दिया, ठीक है, जहां पे ये बनारसी जाते हैं. 9 साल ये पढ़ते हैं संस्कृत और हिंदू फिलॉसफी, ठीक है. बाद में ये महात्मा गांधी जी के जो स्पीचेस होते हैं ना नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे, ये महात्मा गांधी जी के स्पीचेस से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो हमारा शाहबाबाद डिस्ट्रिक्ट था बिहार का एंड बेसिकली जो गाजीपुर एरिया था यूपी का, वहां पे ये मेजर रोल प्ले करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आप देखोगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जब तिलक स्वराज फंड कलेक्ट करना था तो ना लोगों को काफी मोटिवेट करते थे, काफी ज्यादा एक्टिवली लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते थे. एट द सेम टाइम आप देखोगे इसके अलावा 1924 टू 1928 के टाइम पीरियड में खादी को प्रोपोगेट करना, एट द सेम टाइम महात्मा गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में इन्होंने काफी मेजर योगदान दिया है. जो स्मृति विलेज थी शाहबाबाद डिस्ट्रिक्ट पटना की, बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर बनती जहां पे अपनी मेजर एक्टिविटीज करते हैं. इन्होंने खादी वीविंग सेंटर की शुरुआत की थी सिमरी में और इन्होंने एक आश्रम भी बनाया था पोलिटिकल एंड सांस्कृतिक टीचिंग्स के लिए एट बिहाता. यूजुअली हम इतना इनके बारे में नहीं जानते, जस्ट नो कि अच्छा किसान सभा मूवमेंट. सो जस्ट फॉर यू कि अगर कुछ क्वेश्चन आए तो वी हैव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. एंड एज अ रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क फॉर कांग्रेस ये इलेक्ट हो जाते हैं मेंबर ऑफ यूपीपीसीसी एंड देन बीपीसीसी एंड ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी. एट द सेम टाइम ये हमेशा एडवोकेट करते थे कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना चाहिए, ठीक है. एट द सेम टाइम जो किसान के इश्यूज होते थे जैसे फोर्स लेबर, इलीगल पैसा एक्सट्रैक्ट करना, किसानों को उनकी जमीन से हटा देना, इन चीजों के लिए इन्होंने काफी मेजर रेजिस्टेंस दिखाया
करवाया था, किसान सभा की स्थापना की थी एंड बिहार में इनका काफी मेजर रोल है। एट द सेम टाइम याद रखिएगा, इंडियन फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी बिहार में एज अ रिजल्ट ऑफ 1936 इलेक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। तो कुछ आपके पास इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एट द सेम टाइम स्वामी जी केम टू बी एड्रेस दैट किसान प्राण, इनको किसान प्राण बोला जाता था बाय हिज किसान सभा फॉलोअर्स, एंड इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी कि सजनन डे भी बनता था बिहार में 19 अप्रैल 1940, जब इनकी अरेस्ट हो गई थी तो स्पेसिफिकली देयर वाज अ सजनन डे जो स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया गया था 19 अप्रैल 1940 को। 1949 ओनली अ ईयर बिफोर द डेथ द कंट्री ऑनर्ड हिम बाय सेलिब्रेटिंग हिज डायमंड जुबली एंड प्रेजेंटिंग हिम विद अ पर्स ऑफ 60,000। काफी इंपॉर्टेंट राइटर्स भी थे, हिंदी वीकली हुंकार पटना से ये चलाते थे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो इन्होंने किसान के प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है, दैट इज द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट रिडक्शन इन बिहार हाउ इट वर्क्स, गया के किसानों की करुण कहानियां, हाउ द किसान फाइट, किसान सभा के संस्मरण, ये सारे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली किसान और उनके स्ट्रगल्स के बारे में लिखा है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो नेट सेट पीएचडी एंट्रेंसेस में आपको ये कहीं ना कहीं जरूर काम दे देगा। ठीक है, इनमें से कौन सी हमारी होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड लीडर ने न्यू इंडिया एंड कॉमन वी लिखा, ये तो बहुत ईजी है। So we have Lokmanya Tilak, we have Annie Besant, we have George Arundel or basically Jamna Das. So who has written New India and Commonweal? Very easy, Dr. Annie Besant, please press journals, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, for direct questions. इस बार match the following आया था, बहुत simple सा था, तो यहाँ पे press journals से हमेशा questions आ रहे हैं, direct आया तो ठीक, नहीं आया तो theory में आ जाएगा, वो भी नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमें elimination में मदद मिल जाएगी। ठीक है, कांग्रेस प्रेसिडेंट और किस साल में ये प्रेसिडेंट बने थे, तो वी हैव सैयद बदरुद्दीन त्यबजी, वी हैव 1896, वी हैव रहमतुल्ला सयानी, सैयद मोहम्मद बहादुर और हम बात करें अब्दुल कलाम आजाद, 1913, 1887, 1923। ठीक है, आकाश इज वेरी सुपर एक्साइटेड एंड आकाश करेक्ट आंसर है। सो वी हैव तैयब जी जो कि प्रेसिडेंट थे मद्रास सेशन के, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रिसाइडेड द थर्ड सेशन, 12th सेशन हेल्ड हुआ था कैलकटा में, प्रिसाइडेड बाय सयानी 1896। देन वी हैव 29th सेशन हुआ था 1913 में, 1923 में दिल्ली सेशन प्रिसाइडेड बाय अब्दुल कलाम आजाद जो 42nd सेशन था। ठीक है, इनमें से कौन सी एलिमेंट नहीं थी ऑफ द ड्रेन थ्योरी प्रपाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी, so which of the following admins did not constitute the green thread, ye dekho kafi easy question hai previous year ka, home charges, unrequired export, guaranteed interest and deindustrialization. So we all know deindustrialization is a concept which tells us ki bhai kaise jo britishers ke machine made kapde the, it competes with our cotton textiles and obviously unke machine made kapde and hamare jo handicraft industries the unke beech ka competition hum sustain nahi kar paaye, to hamare secondary handicraft industries jo hain wo is process mein almost destroy ho jate hain, artisans ki life almost kharab ho jati hai. Theek hai, so deindustrialization is this process jahan pe hamare chote chote, kyunki dekho इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो छोटे छोटे हमारे फैक्ट्रीज हटेंगे, उनके जगह पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज प्रॉपर फैक्ट्रीज आएंगे। इंडिया में हुआ क्या, हमारे सेकेंडरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो गए बट उनके जगह पे प्रॉपर इंडस्ट्रीज नहीं आए। सो दिस प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यस मॉरिस डुमॉरिस, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, दो बार आपको यहाँ से हिस्टोरियोग्राफी निकल चुका है। एंड ड्रेन थ्योरीज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा, हम पैसा दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स उससे हमारे यहाँ पे मशीन्स ला रहे, इंडस्ट्रीज ला रहे, वो चलेगा, प्रॉब्लम क्या है, पैसा जाए जा रहा है, ड्रेन हुआ जा रहा है बट अल्टीमेटली हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है क्योंकि उसी पैसे से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उसी पैसे से वो फॉर एग्जाम्पल अपने रेलवेज में गारंटीड इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रहे हैं, उसी पैसे से वो इंश्योरेंस कंपनीज खोल रहे हैं, बैंक खोल रहे हैं, लोगों को पेंशन दे रहे हैं, लोगों को सैलरीज दे रहे हैं, तो हमारे पैसे से उनका पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चल रहा था एंड हमें उसका कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था। करेक्ट, नंबर 21, ऑथर्स एंड किंग के कौन से काम है, सो लेट्स फिनिश इट, हेनरी कॉटन, देन वी हैव वैलेंटाइन चिरोल, विलियम वेडरबर्न एंड देन वी हैव बेसिकली एच एम हिंडमैन, सो फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बैंकरप्सी ऑफ इंडिया, इंडिया ओल्ड एंड न्यू, न्यू इंडिया और इंडिया इन ट्रांजिशन,
अब ये क्वेश्चन जिसका गलत होगा आप एक बार इसको ना गो थ्रू कर लेना। मैंने आपको एक आइडिया भी दिया था कि आप प्रीवियस ईयर्स में जब बुक्स पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्टोरियोग्राफिकल रिलेटेड हो या मैच द फॉलोइंग हो, मिडीवल का, एंशियंट का, मॉडर्न का, ऑलवेज नोट इट डाउन। इससे क्या होगा ना कि प्रीवियस ईयर से ही आपके पास कम से कम 100 बुक्स की लिस्ट बन जाएगी, एंड कहीं ना कहीं बुक्स आर ऑलवेज रिपीटेड एंड दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, तो आपके पास एक बफर लिस्ट पीछे से रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। ये जेनरली हम एलिमिनेट भी कर सकते थे इफ यू स्पेसिफिकली नो कि भाई वैलेंटाइन चिरोल की बुक का नाम क्या है, यू कुड हैव सिंपली डन, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बी जो है स्पेसिफिकली बी थ्री कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है। सो विद दिस वी कुड हैव डन एलिमिनेशन। ठीक है, अब वैलेंटाइन चिरोवेरी हेनरी कॉटन की किताब न्यू इंडिया और इंडियन ट्रांजिशन, अगेन इट वॉज टेलिंग पीपल की ब्रिटिशर्स की वजह से क्या सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस चेंजेस आते हैं। वैलेंटाइन चिरोल की किताब इंडिया ओल्ड एंड न्यू, जहां पे डिस्टिंग्विश होता है कि भाई हमारी प्राचीन सभ्यता कैसी थी और ब्रिटिशर्स के आने की वजह से मॉडर्न डेवलपमेंट जो हुआ वो कैसा हुआ, कैसे इंडिया चेंज हो गया। वेडरबर्न की किताब ऑन ह्यूम, ऑब्वियसली ह्यूम का करियर, उनकी अचीवमेंट, क्या किया इन्होंने, कैसे आईएनसी का फाउंडेशन हुआ। एंड बैंक्रप्सी विच वॉज रिटन बाय हिंडमैन, ये बेसिक है ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में हमारे प्रशासनिक एविडेंसेस। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को बोला है कि इट्स अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, रॉलेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ 1935 एक्ट पे 2 साल से क्वेश्चंस बैक टू बैक आ रहा है, तो इनकी ना प्रोविजंस देख लीजिएगा, कब डायरार्की आई, कब डायरार्की प्रोविंस में आई, कब वो हटी, कब प्रांतों को ऑटोनॉमी मिला, कब सेंटर में डायरार्की आई, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कब आरबीआई आया। सो वेरी इजी दिस टाइम क्वेश्चन वॉज समथिंग जो हम आराम से कर सकते थे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी 1935। कौन से कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, सो फाइनली 1929 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन क्यों हुआ था, क्योंकि कहानी शुरू होती है कि जब हम नेहरू रिपोर्ट 1928 में डोमिनियन स्टेटस मानते हैं एंड इरविन का डिक्लेरेशन आता है, जहां पे ये कहते हैं कि ठीक है डोमिनियन स्टेटस देंगे, कब देंगे लेट अस सी, कोई तुरंत का प्लानिंग नहीं है, बट वी विल गिव यू। अल्टीमेटली जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस की बात चलती है याद है, तो हम दिल्ली मैनिफेस्टो लेके जाते हैं। इन दिस दिल्ली मैनिफेस्टो हम कहते हैं कि भाई देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करेंगे, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एंड इस टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने बोला था डोमिनियन स्टेटस के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। अल्टीमेटली दे रिजेक्टेड दैट, दे सेड नहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज नॉट फॉर दैट बट फॉर साइमन कमीशन रिपोर्ट डिस्कशन, जिसके बाद हमने अपना जो लाहौर सेशन था मोस्ट हिस्टोरिक सेशन, वहां पे स्पेसिफिकली हमने पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोला, और हमने ये भी बोला कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर देंगे। ठीक है, नंबर 24, अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वी हैव डेक्कन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन लीग। तो अगेन सी हमारे प्री आईएनसी एसोसिएशन आ गए, बहुत हर साल ये रिपीट होता है, हम पूरा का पूरा एक सेशन कर सकते हो ऑन प्री आईएनसी एसोसिएशन जो प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर डी। सो वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेक्कन एसोसिएशन फाउंडेड बाय नारोजी फुर्दोजी 1852, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नारोजी 1866, इंडियन लीग 1875 बाय सिसिर कुमार घोष एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 बाय एओ ह्यूम। ठीक है, अब इनमें से कौन थे जिन्होंने कंडेम किया था ओटावा ट्रेड अग्रीमेंट ऑफ 1932, ये बोल के कि भाई इन्होंने भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या की है। सो वी हैव जी डी बिरला, हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, जे आर डी टाटा की और जेबी कृपलानी की। ओके, सो द करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। अब अगेन इनकी पंचशील फिलोसफी मैम ये गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये जो अग्रीमेंट हुआ था इट वॉज 12 बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, जहां पे हम टैरिफ कंसेशंस दे रहे थे, अप्रोक्सिमेटली 20 जुलाई टू 20 अगस्त 1932 को ओटावा में हुआ था। तो यहीं पे इन्होंने कंडेम किया था कि भाई इट इज किलिंग लॉट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता था इन द लॉन्ग रन। नंबर 26, इनमें से कौन सा मुस्लिम लीग का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं था, वेरी इजी थ्योरी क्वेश्चन, इसमें आप सीधा सीधा ऑप्शन पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। प्रपोगेट करना पैन इस्लामिज्म इंडियन मुस्लिम्स के बीच में, प्लीड करना विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट अबाउट पॉलिटिकल राइट्स एंड मुस्लिम के इंटरेस्ट, टू प्रमोट इंडियन मुस्लिम्स उनके बीच में लॉयल्टी की फीलिंग लाना, और बेसिकली टू प्रिवेंट द राइज ऑफ इंडियन मुस्लिम्स फॉर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटी। तो एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था, विच इज ए, दैट इज प्रपोगेट द आइडियोलॉजी ऑफ पैन इस्लामिज्म अमंग इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, देन वी विल वाइंड अप। इनमें से कौन सी एक्ट है जो फीमेल वोटर्स का रेशियो बढ़ा देती है और उनको लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट्स देती है। सो वी हैव 1909,
1930, 1919 एंड 1935। तो अगर आपने एक्ट देखा है तो एक्ट से हमारे पास इस तरह के वन लाइनर भी आ रहे हैं और हमारे पास प्रॉपर 4 to 5 लाइन थ्योरी क्वेश्चन भी आ रहा है, स्पेसिफिकली 1919, 1935 एक्ट, 1947 एक्ट, ओके 1858 एक्ट, ये सब के प्रोविजंस देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना इट्स इजी टू ट्विस्टर्न। प्लस जब आप काउंसिल एक्ट पढ़ते हैं तो कहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एड हो रही है, कहाँ पे नॉमिनेटेड आ रहे हैं, कहाँ पे इलेक्टेड आ रहे हैं, ठीक है, ये सब जेनरली आप कर लीजिएगा। सो 1935 एक्ट हर साल किसी ना किसी तरीके से इस एक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सी सत्याग्रह है जिसको महात्मा गांधी जी ने लीड नहीं किया था, और ये भी देखो प्रीवियस ईयर है, सिंपल है ये, खेड़ा का सत्याग्रह, रॉलेट बिल्स के अगेंस्ट सत्याग्रह, देन यू हैव बेसिकली महार स्वीट वाटर टैंक सत्याग्रह या वाइकॉम सत्याग्रह। तो इनमें से एक ऐसी सत्याग्रह है जिसको महात्मा गांधी ने लीड नहीं किया था, एंड ठीक है, सो वी हैव दिस, दैट इज महार सॉल्ट वाटर सत्याग्रह, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं 29। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इजी क्वेश्चन। एज अ मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकॉर्पोरेट करता है बहुत सारे पॉलिटिकल ट्रेंड, आइडियोलॉजी, ठीक है। दे वर कमिटेड टू डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म, जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे ये ऑर्गेनाइज मास मूवमेंट तो नहीं किए, बट एट द सेम टाइम दे डिड कैरी आउट एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल ओप्रेसर्स के खिलाफ। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इन्होंने हर तरह से कोशिश की कि कभी भी हमारे प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस और स्पीच पे कोई बाधा आए, तो दे ऑलवेज स्टूड अगेंस्ट इट, ठीक है। एट द सेम टाइम इन्होंने हमेशा बोला कि जुडिशियल एग्जीक्यूटिव पावर्स को सेपरेट कर दीजिए। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे तो यू नो कि इसके सारे ही ऑप्शंस हमारे सही हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा डिमांड करती थी कि भाई हमारे जो एसोसिएशंस थे दे ऑलवेज डिमांडेड कि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दो, क्योंकि एक पावर, एक ही आदमी जज भी रहेगा, एक ही आदमी आपके ब्यूरोक्रेट भी रहेंगे, तो इट्स ओवरलैपिंग ऑफ पावर, एब्सोल्युटली। तो ये सारे ही सही है ना। 30, लीडर एंड ऑर्गेनाइजेशन, सो वी हैव एमसी राजा, देन वी हैव जगजीवन राम, बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, एंड कौन ऑल इंडिया डिप्रेस लीग के साथ एसोसिएटेड है, कौन ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड है, कौन ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के साथ संबंधित है, और हु इज एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया हरिजन संघ। सो द लास्ट क्वेश्चन, एंड हियर वी गो। दो तो आप सीधे सीधे कर सकते हो, आई थिंक सी एंड डी से, ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी। तो जनरली D4 हमने दो तो सीधे सीधे यहां से एलिमिनेट कर दिया, ए और डी तो जनरली हमारा कट ही हो गया, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, गो थ्रू दिस, एट द सेम टाइम हर तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, तो यू हैव टू नो कि ईयर बेस्ड हो गया, थ्योरी हो गया, एसोसिएशन क्वेश्चन हो गया, ईयर हो गया, वन लाइनर हो गया, एवरीथिंग इज देयर इन द पेपर। और क्योंकि मॉडर्न बहुत ईजी, नेशनल मूवमेंट से खुद 15 से 18 क्वेश्चन का हमें बफर मिल जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छा से करना है, ट्राई डूइंग कोर्ट्स एंड ऑल इफ यू हैव लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो कोशिश करना है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से हम वाइंड अप कर ले। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल हम करेंगे गुप्ता पीरियड के 10 इयर्स क्वेश्चन, ठीक है। सो गुप्ता पीरियड के कौन कौन से 10 इयर्स क्वेश्चन आए हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, ये हम कल के सेशन में करेंगे, ठीक है। सो दिस होमवर्क क्वेश्चन प्लीज राइट इट, कल देखेंगे कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। इनमें से कौन सी मूवमेंट है जहां पे हम पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट और ऐसे इफेक्टिव मेथड्स अपनाते थे, एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा और खिलाफत मूवमेंट। काफी इजी क्वेश्चन है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, कल सबसे पहले देखेंगे कितने लोगों ने सही जवाब दिया, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, सो आई होप वी हैव कवर्ड ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कल मिलेंगे विद गुप्ता पीरियड एंड 10 इयर्स क्वेश्चन प्रीवियस इयर्स ऑफ गुप्तास, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम बहुत सारे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बफर लेके आ रहे हैं ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड फॉर फ्री PDF एंड क्विजेस जल्दी जल्दी से इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, ठीक है। कल मिलेंगे 3 PM विथ गुप्ता पीरियड एंड इनके 10 इयर्स क्वेश्चन। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप कि आपको देखो ये पता लगा कि नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और हमने ऐप पे भी अभी का रिसेंट क्वेश्चन किया था, हमने 2022 2023 का नेशनल मूवमेंट का ऐप पे भी क्वेश्चन किया है, तो आप अगर उसको कंबाइन कर लो इस सेशन के साथ, तो मोर और लेस यू नो कि क्वेश्चन का ट्रेंड पैटर्न कहाँ जा रहा है एंड बेसिकली पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, प्लीज कीप अप विद द चेंजिंग ट्रेंड्स। एंड ऐप का सेशन आई होप आपने देखा था, हमने अक्टूबर और फरवरी दोनों को क्लब करके हमने क्वेश्चन किया था, तो वहां से हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ पे डेफिनेटली फोकस करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमारे निकल सकते हैं, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, कल मिलते हैं विद द गुप्ता पीरियड। ऑल इन ऑल
अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट. ठीक है, यू आर द बेस्ट, डजंट मैटर व्हाट एनीवन इज सेइंग, यू गॉट अ सेल्फ मोटिवेट, यू गॉट टू बिलीव. मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ क्योंकि अभी धीरे धीरे मोर यू कम क्लोजर टू द एग्जामिनेशन मोर यू स्टार्ट फीलिंग पैनिक एंड एंग्जाइटी, बट वहीं पे यू हैव टू बैक. ठीक है, क्योंकि वहीं पे यू हैव टू क्रॉस दैट हर्डल्स. ठीक है, बी प्रैक्टिकल, बी स्मार्ट, स्टडी, भूल रहे हैं तो रिविजन करना है क्योंकि वही अल्टीमेटली हमारा तरीका है कैसे हम इसको कॉन्फर करेंगे. एंड विद इन लेस टाइम यू विल एक्चुअली लिव द